मासूम, मेरे बिना कोई इंसान है ही नहीं। मैं एक घंटा दिखाई ना दूं तो इंसान की जान भी जा सकती है। मैं जानता हूँ। नींद खुलते ही बाजू में मैं ही रहता हूँ। काम करते समय, खाते समय, यात्रा करते समय और आखिरी में सोते समय तक भी मैं ही रहता हूँ। हाँ, इंसान तुमसे ज्यादा एडिक्ट हो गया है। हाँ हाँ, जब मैं रहता हूँ तो इंसान नींद भी भूल जाते हैं। हाँ अच्छा। मैं इंसान के हाथों में हूँ, लेकिन पूरा विश्व मेरी मुट्ठी में है। छोटे बच्चे मेरे बिना खाना भी नहीं खाते और जवान मेरे साथ रहने से खाना भी भूल जाते हैं। बड़ों का एंटरटेनमेंट, लेडीजों का पकवान, सीरियल, ये सब कुछ मेरे ही पास मिलता है। तुम एक विषय जानते हो, ये लोग एक दिन में लगभग 4 घंटा मेरे साथ स्पेंड करते हैं। ठीक है, लेकिन जो तुम्हारे मुट्ठी में नहीं है वैसे भी लोग हैं। कौन? अनपढ़, जिसे मोबाइल चलाना नहीं आता, वही लोग? नहीं नहीं। फिर? मसी लोग। हा हा हा। इसमें हंसने वाली क्या बात है? तुम्हारा मजाक अच्छा लगा। ये मजाक नहीं है, सच है। समय को बर्बाद नहीं करना है, ये हमारी बाइबिल बताती है। इसलिए मसी लोग तुम्हारे साथ ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अरे पागल, तू क्या सोचता है? हमारे मसी लोग परमेश्वर से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए दुनियादारी जैसे फालतू चीजों में समय खराब नहीं करते। तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हारे बहुत सारे लोग मेरे गुलाम हैं। ऐसा नहीं, तुम गलत सोचते। यदि वे तुम्हें इस्तेमाल करें तो भी ज्यादा जरूरत होने पर ईश्वरीय विषय के लिए तुम्हें उपयोग करते हैं। हमारे लोग यूट्यूब इसलिए चलाते, परमेश्वर का वचन सुनने के लिए व्हाट्सएप फेसबुक इस्तेमाल इसलिए करते, परमेश्वर का वचन बांटने के लिए। तुम ठीक कहते हो, सच में तुम्हारे लोग भी अच्छे से इस्तेमाल करेंगे सोचते हैं। अच्छा सोचकर YouTube के अंदर जाते हैं, फिर जाते ही इस हीरो ने ऐसा किया, उस हीरो ने ऐसा किया, उस हीरोइन ने क्या क्या किया मालूम है? ऐसा मैं तुम्हें 2 सलाह देता हूँ, बस ऐसा डूबेंगे कि कहाँ निकलेंगे मालूम नहीं। तुम्हारे लोग परमेश्वर का पोस्ट करेंगे ऐसा सोचकर इतने में ही एक लड़की को एक लड़के का फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता हूँ, इतने में वे फंस जाते हैं। हमारे लोग इतने भी कमजोर नहीं। मेरे पास बहुत सारे लिस्ट हैं, क्या तुम्हें चाहिए? मुझे नहीं चाहिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, टिकटॉक में समय बिताने के लिए उनके पास कोई कमी नहीं है, जिसमें कुछ पास्टर्स, विश्वासी, कलीसिया के बड़े लोग, इसमें कोई भेदभाव नहीं है, सब मेरे कब्जे में है। एक समय में मुझे बाहर ही इस्तेमाल किया जाता था, पर अब मैं चर्च में भी घुस गया हूँ। एक तरफ से पास्टर्स वचन प्रचार करते हैं और दूसरी तरफ से ये लोग मुझे ऑपरेट करते हैं। वे लोग कहते हैं हम परमेश्वर से ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन वे लोग परमेश्वर से ज्यादा मुझसे प्यार करते हैं। चर्च में 2 से 3 घंटा रहने पर वे लोग मेरे बिना नहीं रह सकते। एक दिन में वचन प्रार्थना के बिना रह जाते हैं, लेकिन मेरे बिना बिल्कुल नहीं रह पा सकते। वे लोग मेरे लिए इतना पागल हैं, मैं झूठ ही सिखाता हूँ। मैं सिर्फ उन्हें दिखावा का आदत बना दिया हूँ। गलत चीजों को पहले दिखाता हूँ, फिर करवाता हूँ, और भक्तों को खींचकर संसार में मिलाता हूँ और उन्हें नरक जाने के लिए दौड़ाता हूँ। पर जो मुझे लिमिट से यूज करते हैं उनके लिए मैं उपयोगी हूँ, लेकिन जो मुझे अनलिमिटेड यूज करते हैं उनके लिए मैं खतरा हूँ। मेरे द्वारा परमेश्वर का वचन सुनकर बलवंत हुए और कुछ अच्छे अच्छे लोग मेरे कारण सत्यानाश भी हो गए। जो मुझे वस्तु समझकर जरूरत के लिए इस्तेमाल करेगा मैं उसका भलाई करूंगा, और जो मेरे ज्यादा नजदीक रहेगा उसे आत्मिक और भौतिक रूप से कई प्रकारों से नष्ट करूंगा। जाओ अपने लोगों को बताओ कि वे बदल जाएं। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसे चाल चलते हो। निर्बुद्धियों के समान नहीं, परंतु बुद्धिमानों के समान चले।